हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड बेसिकली दो टाइप की फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट इज जिंक ब्लेंड, जिसे सल्फेराइड भी बोलते हैं, और जिंक परसेलाइट। अब दो फॉर्म्स के अंदर अगर एक कंपाउंड मिल रहा है आपको, दो या दो से ज़्यादा फॉर्म के अंदर, तब हम इस फिनोमेना को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर एक डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसा डायमंड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। तो हम तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिंक ब्लेंड, जिंक वर्टिसाइड और डायमंड का स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो जिंक आयन की रेडियस है, जिंक टू पॉजिटिव आयन की, दैट इज 74 पिकोमीटर, और सल्फाइड आयन की जो रेडियस है, दैट इज 184 पिकोमीटर। तो रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग जब हम जिंक आयन की रेडियस को सल्फाइड आयन के साथ डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी, दैट इज 0.402। अब जो ये वैल्यू आ रही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो जिंक टू पॉजिटिव आयन होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। तो हर जिंक टू पॉजिटिव आयन टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा बाय सल्फाइड आयन, और इसी तरह से सल्फाइड आयन टेट्राहेड्रली सराउंडेड होंगे बाय जिंक टू पॉजिटिव आयन। अब जो ये वैल्यू है रेडियस रेशियो की, दैट इज स्लाइटली हायर देन 0.225, दैट इज द लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। इट मींस जो अनायंस होंगे वो स्लाइटली ओपन अप होंगे। तो जो अनायंस की अरेंजमेंट है जिंक ब्लेंड के अंदर, वो है एक्सटेंडेड मींस ओपन अप सीसीपी और एफसीसी टाइप अरेंजमेंट। अब सीसीपी और एफसीसी टाइप की अगर अरेंजमेंट मिल रही है, इट मींस जिंक ब्लेंड के अंदर जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक टाइप का है। तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि क्यूबिक जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अब जो स्टैंडर्ड एफसीसी अरेंजमेंट आपके पास है, तो ये ब्लैक आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सल्फाइड आयन को कॉर्नर्स प्लस हर एक फेस सेंटर पे। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन आएगा सल्फाइड आयन का यूनिट सेल के अंदर, वो आएगा 8 × 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच फेस सेंटर इज 1/2। तो टोटल आपके पास सल्फाइड आयन का नंबर आ गया 4। अब अगर सल्फाइड आयन का नंबर 4 है आपके पास, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर 8 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ अनायंस इन सीसीपी और एफसीसी अरेंजमेंट। अब अगर सल्फाइड आयन 4 है, तो नेचुरली क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जिंक 2 पॉजिटिव आयन का नंबर भी 4 होना चाहिए। अब जैसा कि हमने रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग देखा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करना है जिंक ने, बट 8 के 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई नहीं करेगा, सिर्फ उसमें से हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही ऑक्यूपाई होंगे। और वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, अगर अनायन की अरेंजमेंट सीसीपी है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन होती है बॉडी डायगोनल की 1/4 लेंथ पे। तो आपको इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नजर आ रहे होंगे रेड डॉटेड लाइंस, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 बॉडी डायगोनल्स को। मैंने नंबर भी दे रखे हैं बॉडी डायगोनल को, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये हर एक बॉडी डायगोनल पे आपको 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगी, बट हमने हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करवाना है बाय जिंक 2 पॉजिटिव आयन। तो हम अल्टरनेट मोड में जिंक 2 पॉजिटिव आयंस को टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्लेस करेंगे। तो जो ऑड बॉडी डायगोनल्स हैं 1 एंड 3, वहाँ पे हमने अप टू डाउन जब मूव किया 1/4 लेंथ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस को प्लेस कर दिया, जबकि जो यहाँ पे आएगी आपके पास इस बॉटम वाले कॉर्नर से 1/4 पे बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड, वो एम्प्टी है। इसी तरह से जो 3 नंबर पे बॉडी डायगोनल है, उसके इस कॉर्नर से जब हम डाउन मूव कर रहे हैं, तो 1/4 लेंथ पे आपको जिंक 2 पॉजिटिव आयन टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इवन बॉडी डायगोनल पे हम जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लेस कर रहे हैं, वो जब हम डाउन से अप मूव कर रहे हैं, 1/4 लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल पे आपको जिंक 2 पॉजिटिव आयन नजर आएगा। इसी तरह से बॉडी डायगोनल नंबर 4 पे नजर आएगा आपको। तो इस अल्टरनेट मोड के थ्रू हमने जिंक 2 पॉजिटिव आयन को टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्लेस कर दिया, और टेट्राहेड्रल वॉइड हमने अल्टरनेट ऑक्यूपाई करवाए। इट मींस 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से सिर्फ 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही ऑक्यूपाई हुई हैं, और वो बॉडी डायगोनल पे हैं। इट मींस उनका कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन आ गया आपके पास 4। इट मींस 4 ही आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव आयन है और 4 ही सल्फाइड।
तो आपके पास जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आएंगी जिंक सल्फाइड के अंदर वो आएंगी 4। तो फार्मूला यूनिट के बेस पे आप इस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करोगे Zn4S4 के थ्रू। अब दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। जब जिंक 2 पॉजिटिव आए टेट्राहेड्रल वॉइड पे हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और इसी सेम बेसिस सल्फाइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। तो एक तो कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, तीसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स अल्टरनेट ऑक्यूपाई होते हैं। उसका एग्जांपल है जिंक ब्लेंड। क्योंकि सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होते हैं जबकि कैल्शियम फ्लोराइड और Na2O सोडियम ऑक्साइड के अंदर ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होते हैं। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो ऑक्यूपेंसी है वो या तो जिंक ब्लेंड के अंदर है या जिंक वर्टजाइड फॉर्म के अंदर है। अब उसके बाद अगर आप इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर फेस डायगोनल को देखें तो फेस डायगोनल पे आपको कॉर्नर वाला सल्फाइड, फेस सेंटर वाले सल्फाइड आयन और इस कॉर्नर वाले सल्फाइड आयन को टच करता नजर आएगा। इट मींस इस सल्फाइड आयन की रेडियस प्लस डायमीटर ऑफ दिस सल्फाइड आयन प्लस रेडियस ऑफ दिस सल्फाइड आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर, उसका जो सम होगा वो बॉडी डायगोनल सॉरी फेस डायगोनल के इक्वल होगा और फेस डायगोनल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एच लेंथ का रूट 2 टाइम है। अब यहां से आगे आपके पास रेडियस ऑफ सल्फाइड प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दिस सल्फाइड प्रेजेंट एट फेस सेंटर प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर जो फेस डायगोनल पे आ रहे हैं आपके पास आए। इट मींस 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम ऑफ ए। तो यहां से हम रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन निकाल सकते हैं और ऐसा ही हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था इन केस ऑफ NaCl। अब दूसरा पॉइंट, जैसे हमने NaCl के केस में देखा था कि रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू एच लेंथ बाय 2, बट यहां पे केस डिफरेंट है। जो आप बॉडी डायगोनल देख रहे हो इसकी 1/4 लेंथ पे आपको जिंक 2 पॉजिटिव आयन नजर आ रहा है। इट मीन्स जिंक 2 पॉजिटिव आयन और सल्फाइड आयन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बॉडी डायगोनल का 1/4 होगी। तो बॉडी डायगोनल आपके पास √3a/4 है। इट मींस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन प्लस रेडियस ऑफ जिंक आयन दैट इज इक्वल टू √3a/4। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और है कि अगर आपको ये कहा जाए कि किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर है, XY कोई क्रिस्टल है, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेडियस ऑफ एक्स प्लस रेडियस ऑफ वाई नेगेटिव कितना होगा, तो वो होगा √3a/4। अब जो टोटल नंबर ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन है 4 है और सल्फाइड भी 4 है, तो अगर हम उनका वॉल्यूम निकाल लें और उसको क्यूबिक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। और अगर हम रेडियस की वैल्यूज को यूज करके पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं जिंक ब्लेंड के केस में तो वो राउंड अबाउट आपके पास आएगा 53%। अब जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर डायमंड के स्ट्रक्चर के साथ भी मैच करता है, तो डायमंड का स्ट्रक्चर और जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर में आपने डिफरेंस अगर डिस्कस करना है तो वो सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे अब कार्बन एटम होंगे। जो रेड वाले पॉइंट्स हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे भी अब कार्बन एटम होंगे, तो कार्बन एटम अब फेस सेंटर पे भी हैं, कॉर्नर्स पे भी हैं, प्लस आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन एटम्स जो डायमंड क्रिस्टल्स के अंदर हैं यूनिट सेल के अंदर उसका नंबर कितना है, हमें पता है कि जो डायमंड है वो एक कोवलेंट क्रिस्टल है जिसके अंदर एक कार्बन टेट्राहेड्रली 4 अदर कार्बन से सराउंडेड है और हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। अब जो जिंक ब्लेंड और डायमंड का स्ट्रक्चर सेम टाइप का है तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम इस वे से कैलकुलेट करेंगे। पहले तो 6 आपके पास फेस सेंटर है और एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 प्लस कॉर्नर पे आपके पास कार्बन एटम है 8 × 1/8 प्लस 4 कार्बन एटम बॉडी डायगोनल की 1/4 लेंथ पे हैं और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो आपके पास बॉडी डायगोनल से कंट्रीब्यूशन आएगा कार्बन एटम का 4। इट मींस टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास आगे 8। अब इसी वैल्यू को अगर हम यूज करें जिंक ब्लेंड वाले केस में तो अब दोनों कार्बन एटम सेम टाइप के हैं। इट मींस जो दो कार्बन एटम के बीच की डिस्टेंस होगी वो बॉडी डायगोनल का 1/4 होगी। तो डायमंड के केस में जो डी की वैल्यू होगी वो होगी आपके पास
रूट थ्री ए बाय में फोर, बॉडी डायगोनल का 1/4, और डी का हाफ होगा आपके पास रेडियस ऑफ कार्बन एटम। तो रेडियस ऑफ कार्बन एटम आएगा आपके पास रूट थ्री ए बाय में 8। और अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालें डायमंड क्रिस्टल के केस में, तो वो आएगा आपके पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कार्बन एटम इन यूनिट सेल, दैट इज 8 टाइम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए क्यूब, और ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं 8RC/√3 से। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 34%। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाएगा कि अगर डायमंड सिंपल क्यूबिक और BCC और FCC के पैकिंग फ्रैक्शन का पैटर्न देखना हो, तो डायमंड के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन 34%, सिंपल क्यूबिक 52%, BCC 68% एंड FCC 74%। अब हम कंपैरिजन करेंगे जिंक ब्लेंड और जिंक वर्टिसाइट स्ट्रक्चर का। अब दोनों में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहला जो डिफरेंस है, जिंक ब्लेंड के अंदर सल्फाइड आयन एक्सटेंडेड CCP अरेंजमेंट के अंदर थे, जबकि जिंक वर्टिसाइट में ये अरेंजमेंट सल्फाइड की HCP है। अब हमने देखा है कि HCP का जो रैंक होता है वो होता है 6, इट मीन्स नंबर ऑफ सल्फाइड आयन क्या होंगे, 6 होंगे। जिंक 2 पॉजिटिव सेम मैनर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, तो इसमें इस पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 रहेगा, ये पॉइंट भी आपके पास सेम आएगा, बट फार्मूला यूनिट का नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि सल्फाइड का अगर नंबर 6 है तो HCP अरेंजमेंट में तो टेट्राहेड्रल वॉइड 12 होंगे, और 12 में से हाफ ऑक्यूपाई होंगे, तो जिंक 2 पॉजिटिव का नंबर भी 6 आ गया। तो जिंक ब्लेंड में फार्मूला यूनिट का नंबर था 4, जिंक वर्टिसाइट में होगा वो 6। अब जो जिंक ब्लेंड टाइप का स्ट्रक्चर है उसके और एग्जांपल हैं, जैसे क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोडाइड और कैडमियम सल्फाइड, जबकि जिंक वर्टिसाइट टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ZnO में जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बन का कंपाउंड, जिसको स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखेंगे ये भी डायमंड की तरह 3-डाइमेंशनल जॉइंट मॉलिक्यूल है। उसके बाद बेरिलियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो ये हमने इस लेक्चर के अंदर देखा जिंक सल्फाइड के 2 टाइप के स्ट्रक्चर, और साथ के साथ जिंक ब्लेंड जैसा स्ट्रक्चर है किसका, डायमंड।